भैया, ये आपके हाथ में क्या है? ये गन है। गन है जी। आप इससे क्या करते हैं? ये शिकार विकार करते हैं, इधर जाते हैं, जो भी पक्षी मिलता है, मसलन जो हिलाल है वो उसको हम ना शिकार बनाते हैं, फिर काट के ले जाते हैं। पहले तो हम डर गए यार, ये आपके हाथ में गन है, हम इधर से आ रहे हैं, हमने बोला ये पता नहीं कौन आ रहा है भाई, हमारे तरफ आ रहा है, हमने भाई डरा दिया यार आपने तो, हमने तो अच्छा शिकार के लिए निकले हुए हैं। अच्छा चलो फिर बता दो, आप ये शिकार कैसे करते हो? ये इधर जाते हैं जमीनों पे ना, तो जो समझते हैं कि ये परंदा जा रहा है, ये हिलाल है, तो फिर इस गन में यहाँ से डालकर फिर इसको लोड करके लगा देते हैं उसको, फिर अगर गिर गया तो हिलाल करते हैं, भाग गया तो आगे चले जाते हैं फिर। अच्छा, यानी कि मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे की कोशिश। अच्छा, ये आप हर मौसम में करते हैं या इसका कोई एक खास मौसम होता है? नहीं, इसी मौसम में करते हैं। इसी मौसम में करते हैं? मैंने तो सुना हुआ है कि चावल के कटाई के बाद भी ये जो है ना वो बड़े शिकार होते हैं। हाँ, सर्दियों में होते हैं, सर्दियों में भी, लेकिन हम इस मौसम में निकलते हैं। आप इस मौसम में निकलते हो? अच्छा 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 अच्छा, तो आप जो है यार, मुझे डर लग रहा है इस गन। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, चला सकते हैं। अच्छा, इसको आप क्या कहते हो? इसको राइफल कहते हैं। इसको राइफल कहते हैं? ये तो मुझे शॉट गन लग रही है। ये बंदूक का एक किस्म है ना? जी बिल्कुल, जिसको शॉट गन कहते हैं, क्योंकि राइफल में जो है ना वो छोटी सी स्पेस होती है डालने के लिए। ये तो जो है वो मेरे समझ में, हाँ ये शॉट गन ही है, मुझे शॉट गन लग रही है। राइफल राइफल थोड़ी सी डिफरेंट होती है इससे। तो ये क्या? मेरे भाई का है, तो बस इसने कहा कि ये, तो फिर मैं उठा के आ गया। अच्छा अच्छा, अपना नहीं है। बस आपका मतलब है शिकार करने? ये मतलब नहीं है कि बंदूक है या राइफल है, बस पक्षी गिराना है। पक्षी गिराना, तो ये यानी कि परिंदा गिराना, ठीक है। वैसे ये एक बात जो है वो बुरी भी है शिकार करना, क्योंकि परिंदों का शिकार करना उनको नस्ल को खत्म करने के बराबर है। तो ये कभी आपको ख्याल नहीं आता? बस नहीं आता शौक है। अब शौक में ये किसी की नस्ल कुशी हो तो मेरे समझ में ये तो अच्छा नहीं है वैसे, क्योंकि इसी परिंदों से, इसी जो है निज़ाम से, ये अल्लाह की कुदरत और ये सारे नज़ारे नेचुरल वे हमें नज़र में आता है, ठीक है ना। और इसी से ही ये जो अल्लाह के नज़ारे और ये मखलूक जो है इससे इंजॉय करती है, कि किसी किसी के परिंदे हैं, उड़ते हैं, उसकी जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं परिंदों की, वो जब बोलते हैं तो सारे एक माहौल चिलचिला उठता है। तो आपकी नज़र में ये सही है या गलत है? मेरी कोशिश करेंगे इनको ना करें। अच्छी बात है, ना करें, इनको पालें, इनका बल्कि सहारा बने, इनको पानी दे, दाना दे, उसको मारते न फिरे यार। ये महबूब अली करो नेगेटिव चैनल से आपके खिदमत में जो है एक बार फिर हाजिर। अचानक से एक बंदा हमें मिल गया और हमने उसकी वीडियो बना ली और इससे पूछा कि क्या करता है क्या नहीं करता, और आगे इस तरह की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, प्लीज़ आगे शेयर करें, और इस ही के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह आपका और हमारा आसानी हो। और भाई ये गन ले लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, मेहरबानी भाई।